दिल्ली में जल संकट का मुद्दा गंभीर हो गया है। कई इलाकों में लोगों के एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं हो रहा। लोग टैंकर्स के आने का घंटों इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली की प्यास बढ़ रही है, वैसे राजनीति गर्मा रही है। इस मामले में नया बोर्ड तब आ गया जब कांग्रेस ने दिल्ली जल बोर्ड पर बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड़ का स्कैम हुआ। ये पूरा पैसा टेंडर माफिया के जेब में गया। घोटाले के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेटर लिखकर स्कैम की जाँच की मांग की है। जिस तरीके का रवैया इन दोनों सरकार कर रहा है, उससे स्पष्ट मालूम होता है की ये जो है नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अगर ये 17,575 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी लॉस हुआ है तो वो किसकी जेब में गया है? निश्चित ही किसी की जेब में गया है। ये गंदी राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। दिल्ली के लोगों का हक दिल्ली को देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जनता के मुद्दों पर लगातार काम करती है।